वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बेस्ड ऑन रिडक्शन मेथड। एंड यू गैस ऑलरेडी नो इट कि मेथड काफ़ी ज़्यादा आसान है ना, बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने नहीं है आपको। और आपको भूलना नहीं है कि आप रिडक्शन मेथड जब भी सॉल्व करते हो, ठीक है, रिडक्शन मेथड से, तो हमेशा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग का फॉर्मेलिटी वो सब मैं नहीं लिखने वाला हूँ। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, वो सब आप जानते हो कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है 2 - 1 - 1, 1 - 2 - 3, 3 - 1 - 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1, 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 1, 8 एंड यहाँ पे 1 है, ठीक है। गाइज आपको है ना एग्जाम में लिखना ज़रूरी है, ये सब आप नहीं लिखोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे फालतू में। और फिर मार्क्स कटेंगे तो फिर आपका एक एक मार्क के लिए आपका अच्छा स्कोर आ रहेगा, वो भी आपको प्रॉब्लम गिर जाएगा, है ना। फालतू के मार्क्स ये मत करो, डोनेट मत करो उनको, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अगेन। फिर इसके बाद दिस इज ऑफ द फॉर्म इन टू एक्स इक्वल टू बी, वेर इज दिस, एक्स इज दिस एंड बी इज दिस, ठीक है, ये सब आता है। स्टार्ट करते हैं अभी हम हमारा पहला स्टेप। चलो लिख देता हूँ वापस, 2 - 1 - 1, 1 - 2 - 3, 3 - 1 - 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1, 8 और 1, परफेक्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था गाइस, जो बोला वही फॉलो करो। क्या बोला आपको, पहले पोजीशन पे क्या लेके आना है, पहले पोजीशन पे नॉन ज़ीरो नंबर लेके आना है, नॉन ज़ीरो नंबर, है ना। फिर वो नॉन ज़ीरो नंबर को यूज़ करके नीचे ज़ीरो, फिर उसके भी नीचे ज़ीरो, फिर क्या करना है, मिडल वाले पोजीशन पे आपको नॉन ज़ीरो नंबर लेके आना है और वो नॉन ज़ीरो नंबर को यूज़ करके नीचे ज़ीरो लेके आना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो गाइस, पहले पोजीशन पे नॉन ज़ीरो नंबर मतलब है ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो मेरे को वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, है ना। 2 है तो कोई टेंशन तो है नहीं, तो 2 की मदद से यहाँ पे नीचे दोनों पोजीशन पे 0 लेके आना है, ये मेरा काम होना चाहिए। बट अगर आप ये 1 को अगर ऊपर पहुँचा देते हो, ये 2 की जगह पे अगर ये 1 ऊपर पहुँच जाता है तो आपका काम थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। देखो ना, 2 की जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 को यूज़ करके नीचे 0 लाना कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। अगर ऊपर 1 आ गया तो 1 की मदद से नीचे 2 0 लाना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पोजिशन पे 1 को फेंक देता हूँ, ठीक है, ऊपर आप 1 को भेज दो। 2 से भी काम हो सकता है, 2 से भी काम हो सकता है, बट 1 रहेगा तो काम कंपेरेटिवली ईजियर हो जाएगा। तो एक काम कर देते ना, ये नीचे वाला जो 1 है उसको ऊपर भेज देते हैं। तो कैसे ऊपर भेजेंगे, बाय आर 1 इंटरचेंजिंग आर 2, आर 1 इंटरचेंजिंग आर 2 करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा। 2 से भी काम हो सकता था बट मैंने 1 इसलिए भेजा ताकि ऊपर, ताकि 1 से मेरा कैलकुलेशन कंपेरेटिवली ईजियर हो जाए। चलो करते, आर 1 इंटरचेंज आर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 2 - 1, 1 और ये नीचे तो एज इट इज़ 3, 1 - 4 और यहाँ पे भी इंटरचेंज करेंगे तो 8, 1, 1 हो जाएगा, परफेक्ट हो गया। अभी हम लोग को पता है क्या करना है गाइस, हमको ये 1 की मदद से नीचे दोनों पोजीशंस पे 0 लेके आना है। चलो लेके आते हैं भाई, R2 - 2R1 हो जाएगा, R2 - 2R1 मतलब R2 में चेंज करना है गाइस, R2 में चेंज करना है, यानी R1 एंड R3 एज इट इज़, ठीक है, R1 एंड R3 एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, बढ़िया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। चलो क्या कर रहे हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 को 2 से और नीचे वाले सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 2 - 2, 2 - 2 - 0, 2 - 2 - 2 कितना 4, ये 4 को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करें, नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट मतलब -1 - 4 कितना हो जाएगा -5, ठीक है, बढ़िया। क्या कर रहे हैं, 2 और नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट, 6 है, 3 - 2 - 6 नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट, 1 - 6 विच इज़ -5, जो लेफ्ट में किया वो राइट में भी करना है। सो 2 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जो आंसर आया नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट, 8 - 2 कितना 16, नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट, 1 - 16 इज -15, ठीक है। अभी सेम टू सेम अभी क्या करना है, 1 की मदद से यहाँ पे 3 की जगह पे 0 लेके आना है, तो ऑपरेशन क्या होगा, बाय R3 - 3R1, परफेक्ट। तो मतलब यहाँ पे R3 में चेंज करना है, मतलब R1 एंड R2 एज इट इज़, R1 एंड R2 यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं फटाफट, XYZ और यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे -15, बढ़िया। क्या करने वाले, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो R1 को 3 से मल्टीप्लाई और R3 से सब्ट्रैक्ट, 1 - 3 इज़ 3
नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 3 ज़ीरो करो, 2 इंटू 3 इज 6, ये 6 है, ये नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, -5। अगेन ये 3, 3 इंटू 3 9, ये नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस 4 माइनस 9 है ना, -4 -9 हो जाएगा। तो -4 -9 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, -4 -9 विल बी -13 हो जाएगा गाइज, इट विल बी -13, मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो, ठीक है। सो इट विल बी -13, बढ़िया। फिर उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे इंटू थ्री कर दीजिए, इंटू थ्री कर देंगे कितना आएगा बच्चा लोग, इट विल बी 24 हो जाएगा, 24 को आप नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, 24 को आप नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 24, इट इज़ -23 है ना, ये हो जाएगा -23 बस। फिर मैंने क्या बोला गाइस, मिडिल वाले पोजीशन पे नॉन ज़ीरो नंबर, मिडिल वाले पोजीशन पे नॉन ज़ीरो नंबर है, और ये नॉन ज़ीरो नंबर को यूज़ करके नीचे ज़ीरो लेके आना है, ये नॉन ज़ीरो नंबर को यूज़ करके नीचे ज़ीरो लेके आना है। देखो ऊपर नीचे देखो -5 है, इधर भी -5, इधर भी -5, सेम साइन है ना, सेम नंबर्स है, तो सेम नंबर्स है तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी ज़ीरो आएगा। अभी सपोज यहाँ पे 5 5 होता तो आप क्या करते, नीचे ज़ीरो लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करते, तो वैसे यहाँ पे -5 -5 सेम नंबर्स है, तो सेम नंबर्स है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी नीचे ज़ीरो आएगा, तो बाय R3 - R2 कर देंगे। सो लेट्स परफॉर्म द ऑपरेशन R3 - R2, तो ये 1 2 3 ज़ीरो -5 -5 R3 - R2 मतलब R3 में चेंज करना है, तो R1 and R2 को एज इट इज़ लिख दिया, ये हो जाएगा 8 - 15, चलो R3 - R2, तो यस परफॉर्म कर लेते यहाँ पे, सॉरी 0 - 0 0, फिर ये -5 -5 ज़ीरो होने वाले, चेक कर लीजिए -5 -5 ये ज़ीरो हो जाएगा, -5 + 5। उसके बाद ये भी इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -13 -5 -13 - -5 मतलब -13 + 5 विच इज़ -8। फिर ये नीचे भी ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए गाइस, चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए -23 - -15, तो -23 + 15 कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। बस इतना सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने थे, हो गया हमारा ये परफॉर्म करके, अब क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर देना है, बार बार मल्टीप्लिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z, फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या हो जाएगा, 0 - 5y - 5z, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना हो जाएगा, -8z इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8 - 15 - 8, बढ़िया। बस अभी आपका फेवरेट स्टेप है, x + z के वैल्यूज यहीं से मिल जाएंगे, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस, क्या लिखोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस क्या हो जाएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 8, -5y - 5z इज इक्वल टू -15, एंड -8z इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से क्या मिलेगा गाइस, यहाँ से z का वैल्यू 1 मिल जाएगा है ना, z का वैल्यू 1 मिल जाएगा, वो z का वैल्यू 1 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, -5y - 5z इज इक्वल टू -15 में पुट कर दीजिए, तो -5y - 5 × 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -5y, ये -15 + 5, सो -5y = -10, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा गाइस, चेक कर लीजिए y का वैल्यू विल बी 2, तो z का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, पुट कर दीजिए पहले वाले इक्वेशन में इसमें, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x + 2 × 2 + 3 × 1 = 8, तो क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए 4 + 3 = 8, तो यहाँ पे x = 8 - 7, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देखो आ गया हमारे को सोल्यूशन आ गया गाइस है ना, सो देखो x = 1 y = 2 z = 1 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो देखो ये हमने क्या कर लिया गाइस, हमने सॉल्व कर लिया बाय रिडक्शन मेथड, तो रिडक्शन मेथड के हमने बेसिकली 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है, वी हैव सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स, 2 × 2 मैट्रिक्स एंड 2 × 3 × 3 मैट्रिक्स, ठीक है, तो रिडक्शन मेथड मैंने क्लियर कर दिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग को करना है इन्वर्जन मेथड, ठीक है, इन्वर्जन मेथड क्या ना गाइस, है काफ़ी ईजी, इट इज़ वेरी इजी, बट थोड़ा सा अगेन इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको इन्वर्जन मेथड के सम्स बताऊंगा, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे एंड देन हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। सो हम लोग करते हैं इन्वर्जन मेथड के सम्स। परफेक्ट, लेट्स ट्राई आउट द फर्स्ट सम। इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, परफेक्ट। पहला क्वेश्चन, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है? क्या बोला है? अभी हम लोग रिडक्शन मेथड सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट सॉल्विंग रिडक्शन मेथड, वी आर सॉल्विंग बाय इन्वर्जन मेथड। ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्जन मेथड एक बार आप देख लोगे तो आपको फिर मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना ईजी है ये। परफेक्ट, राइट। सो अगेन मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप रिडक्शन मेथड सॉल्व करते हो या इन्वर्जन मेथड सॉल्व करते हो, पहली चीज़ आपको फॉर्मेलिटी करनी है। क्या है फॉर्मेलिटी? इक्वेशंस को कौन से फॉर्म में लिखना है? इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैं ये सम लिख के बता रहा हूँ कि पहला सम है, द गिवन इक्वेशंस, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। चलो लिखते हैं फटाफट से, क्या हो जाएगा? वन टू टू थ्री इंटू यहाँ पे क्या एक्स वाई और यहाँ पे टू थ्री, फिर आप जानते हो क्या करना है। दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू, है ना? अभी आपको ये रट्टा ही हो जाना चाहिए, वन टू टू थ्री, फिर उसके बाद एक्स क्या होगा आपका, एक्स विल भी यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे आपका बी होगा, बी विल भी यहाँ पे टू थ्री। बढ़िया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेम देखो, क्या है नाम मेथड का, नाम क्या? इन्वर्जन मेथड, है ना? इन्वर्जन मेथड जो है, ये मेथड कौन से वर्ड से डिराइव किया हुआ लगता है? ये वर्ड कौन से, इन्वर्जन जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया हुआ लगता है? इन्वर्स वर्ड से। कौन से वर्ड से आया हुआ लगता है? इन्वर्स वर्ड से। मतलब जब भी इन्वर्जन मेथड से आपको सॉल्व करने बोलेंगे इक्वेशंस, जब भी इन्वर्जन मेथड से आपको सॉल्व करने बोलेंगे इक्वेशंस को, तो आपको हमेशा इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्जन मेथड मतलब देखो ये वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड इन्वर्स, है ना? तो आपको क्या करना होगा? इन्वर्स निकालना होगा। अभी किसका इन्वर्स निकालना होगा? ये जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स से दिख रहा है, इस मैट्रिक्स से काम को क्या निकालना होगा? इन्वर्स निकालना होगा, ठीक है? तो जब भी आपको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने को बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है पहले, और उसके बाद स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स निकालना है, क्योंकि मेथड का नाम ही इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब इन्वर्स का कहीं ना कहीं इसमें काम आने वाला है ना, कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इन्वर्स निकालने के ए का। अभी हमको इन्वर्स निकालने के तीन तीन तरीके पता है, हमको इन्वर्स निकालने के तीन तीन तरीके पता है। एक है एडजॉइंट मेथड, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा एलिमेंट्री, तीसरा है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीनों मेथड्स पता है, तो यहाँ पे आप जो चाहे वो मेथड सॉल्व कर सकते हो। विच वो मेथड यू फील लाइक सॉल्विंग फॉर कैलकुलेटिंग द इन्वर्स, वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो जब भी आपको इन्वर्जन मेथड के ऊपर सम्स आते हैं, तो आपको यहाँ पे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है। अभी इन्वर्स आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, एडजॉइंट मेथड चलेगा, एलिमेंट्री रो चलेगा, एलिमेंट्री कॉलम चलेगा, एनी मेथड विल वर्क। आपके ऊपर कोई उसमें बंधन नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हो, ठीक है? बट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? दैट इज़ द मेन एम। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यूजली क्या स्टूडेंट्स को प्रेफर करने को बोलता हूँ कि आप क्या करो, ए का इन्वर्स निकालो यूजिंग एडजॉइंट मेथड। उसमें एकदम मिनिमल एरर होता है ना, एरर ना के बराबर आ जाती है, क्योंकि आपको एडजॉइंट मेथड तो आता ही निकालना, माइनर को फैक्टर हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे यूजिंग एडजॉइंट मेथड, क्योंकि एडजॉइंट मेथड से हमारा क्या होता है, एरर बहुत कम आता है ना, कंपैरेटिवली एरर हमारा बहुत कम आ जाता है। तो ये सब में मैं आपको इन्वर्स निकाल के बता रहा हूँ, ये सब में, बाकी के सम्स में इन्वर्स निकाल के नहीं बताने वाला, डायरेक्टली आपको वैल्यू निकाल के दूंगा इन्वर्स का, बट एग्जाम में आपको उनको निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगेन आप कोई भी मेथड से इन्वर्स निकालो, रॉन्ग नहीं मिलेगा, एनी मेथड विल वर्क, ठीक है? तो मैं आपको इस समय इन्वर्स निकाल के दिखा रहा हूँ फॉर ए यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अभी आप जानती हो ए का इन्वर्स निकालना है मतलब, है ना, पहले तो यहाँ पे लिखो लेट अस फाइंड ए इन्वर्स, ठीक है? तो अभी हमारे ऊपर है हम कैसे मेथड से निकालते हैं, तो हम लोग एडजॉइंट से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इन्वर्स निकालने के लिए अगेन सबसे पहले क्या करना होगा गाइस, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए
मतलब ए को क्या शो करना होगा, नॉन सिंगुलर. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 2, 3. कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज -1 विच इज नॉन जीरो. देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अगर ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. परफेक्ट, राइट, है ना. अभी हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स निकाल रहे यूजिंग एडजॉइंट मेथड. ये सब में मैं करके बता रहा हूँ, हर सब में मैं नहीं करने वाला होगा इस, ठीक है. आपको डायरेक्टली इनवर्स का वैल्यू दे दूंगा, आपको निकालना होगा, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो. चलो ए क्या है लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4. क्या करना होता है, एडजॉइंट मेथड से हर एक एलिमेंट का माइनर एंड को फैक्टर निकालना है. तो हर एक एलिमेंट को लिख देते हैं, a11 है, a12 आपका 2 है, a21 आपका 3 है एंड a22 आपका 4 है. हर एक एलिमेंट का माइनर निकालने वाले हैं एंड उसके बाद उसका फैक्टर निकालने वाले हैं. माइनर यहाँ पे माइनर लिख दो और उसके बाद बाजू में नीचे इनफैक्ट उसका को फैक्टर लिख दीजिए. को फैक्टर यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आती है. तो चलो वन का माइनर कैसे निकालेंगे, वन के नीचे वाला छोड़ा, साइड वाला छोड़ा, नीचे वाला छोड़ा, साइड वाला छोड़ा, क्या बचा, 4 बच गया. को फैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 raise to क्या हो जाएगा गाइस, इट विल बी 1+1 into यहाँ पे 4 हो जाएगा. परफेक्ट, -1 raise to 1+1 into 4 विच इज इक्वल टू कितना, -1 raise to 2 into 4 विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. को फैक्टर कैसे निकालेंगे, को अब दूसरे का, अभी टू का कैसे निकालेंगे, 2 का नीचे वाला छोड़ा, 2 का साइड वाला छोड़ा, नीचे वाला साइड वाला छोड़ा, व्हाट एम आई लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद जस्ट 3, ठीक है. ये माइनर हो गया. अभी को फैक्टर, -1 raise to 1+2 into माइनर का वैल्यू विच इज -1 into 3, -1 into 3 is -3. बढ़िया. अभी ये 3 का निकालेंगे ना, ये एलिमेंट 3 का निकालेंगे माइनर. कैसे निकालेंगे, 3 के ऊपर वाला छोड़ा, 3 के साइड वाला छोड़ा, ऊपर वाला साइड वाला छोड़ा, क्या बचा, 2 बचा. परफेक्ट. अभी को फैक्टर, -1 raise to 2+1 into यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा, -1 raise to 3 हो जाएगा, -1 raise to 3 into 2 is -1 into 2 विच इज -2. नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट 4 का निकालना है. तो 4 के ऊपर वाला, 4 के साइड वाला छोड़ा, ऊपर वाला साइड वाला, क्या बचा, जस्ट 1 बचा. ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. -1 raise to 2+2 into यहाँ पे माइनर विच इज -1 raise to 4 into यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो सॉरी, दिस इज इक्वल टू 1. तो ये लो मैंने माइनर्स निकाल दिया गाइस, माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकाल दिया. अभी आप जानते हो क्या करना है, द को फैक्टर मैट्रिक्स. क्या निकालना है, द को फैक्टर मैट्रिक्स. क्या है अपना को फैक्टर मैट्रिक्स लिख देने का, यहाँ पे a11 a12 a21 a22. फटाफट से सारे वैल्यूज लिख देते, a11 is 4, a12 is -3, उसके बाद a21 is -2 एंड a22 is 1. परफेक्ट, ये अपना को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया. उसके बाद हमको क्या निकालना है गाइस, इसके बाद हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए. क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए. चलो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. इसका ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, 4 -3 -2 1. मतलब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो में उसको एज अ कॉलम लिख देंगे, यानी बेसिकली रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे. देयरफॉर अभी ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है गाइस, आपको ऑलरेडी पता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इट इज -1. परफेक्ट, तो हो जाएगा 1 बाय -1 into adjoint of a का वैल्यू 4 -2 -3 1. -1 को मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट से, क्या हो जाएगा, -4 2 3 -1, ठीक है. तो ये अपना ए इनवर्स का वैल्यू आ गया. परफेक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. तो आपको इन्वर्जन मेथड में हमेशा पहले ए इनवर्स निकाल देना है. तो देखो हमने ए इनवर्स निकाल दिया. परफेक्ट, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर हमने मैट्रिक्स से क्या इनवर्स निकाल दिया. अब देखो सम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, देखो क्या करना है. अभी आपको ये लाइन लिखना है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू बी बाय ए इनवर्स.
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन है ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड आप प्री मल्टीप्लाई करो, इसके दोनों साइड आप प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मतलब पहले पहले मल्टीप्लाई करो, किससे? ए इनवर्स से। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। अगेन सुनना मैंने क्या बोला, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये जो आपका इक्वेशन है इसके दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड आप प्री मल्टीप्लाई करो, यानी पहले मल्टीप्लाई करो, किसके किससे? ए इनवर्स से। तो यही मैंने लिखा है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू बी बाय ए इनवर्स। प्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, प्री यानी पहले, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी आपका मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो बोलता है कि आप इन दोनों को भी साथ में लिख सकते हो, मतलब इट सेज ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए टू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब जानते हो ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई होता है, और यहाँ पे आई इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी, और आई इंटू एक्स आप जानते हो कितना होता है, एक्स होता है, तो एक्स इज ए इनवर्स इंटू बी। अभी ए इनवर्स का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हमने निकाला हुआ, ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, माइनस फोर टू थ्री माइनस वन, और इंटू यहाँ पे बी, बी का वैल्यू हमको देखना पड़ेगा ऊपर प्रॉपरली, बी का वैल्यू है टू थ्री, है ना, कॉलम मैट्रिक्स टू थ्री, परफेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो टू थ्री। अब क्या करना है गाइज, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, यू गाइज हैव टू मल्टीप्लाई, है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये जस्ट ऐसा कुछ आ जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम माइनस फोर इंटू टू, माइनस फोर इंटू टू इज माइनस एट, प्लस प्लस टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू इज सिक्स, प्लस माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x है, बट x क्या है गाइज, व्हाट इज x, x आपका एक्स वाई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एट प्लस सिक्स विल बी टू, माइनस टू इनफैक्ट, और यहाँ पे सिक्स माइनस थ्री विल बी थ्री, तो यहाँ पे देयर फोर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस टू आया, वाई का वैल्यू थ्री आया, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, क्या है आपका, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू नीड टू परफॉर्म। मुझे बताओ गाइज, ये मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे लोग, ये मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आए। देखो, आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आज तक मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हमने, उसके बाद क्या किया, ए इनवर्स का वैल्यू निकाला, ए इनवर्स का वैल्यू कौन से मेथड से, मैंने आपको बोला है प्रीफर करो एडजॉइंट मेथड से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, एलिमेंट्री रो और कॉलम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं देगा, बट उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस है। सो बेटर क्या रहेगा, आप क्या करो, ए इनवर्स निकालो यूजिंग एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकालने के बाद आप क्या करना है, वो प्री मल्टीप्लाई वाला स्टेप करना है ना, ये स्टेप फॉलो करना है, ये वाला, तो ये आपको हर सम में करना होगा, इन्वर्जन मेथड के हर सम में आपको ये वाला काम करना ही होगा, कोई भी हो, तीन इक्वेशन वाला हो, दो इक्वेशन वाला हो, यू गाइज हैव टू डू दिस। ठीक है, तो ये है अपना इन्वर्जन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दो तीन प्रॉब्लम और करेंगे बेस्ड ऑन इन्वर्जन मेथड, एंड देन विल वाइंड अप, राइट। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच।